कश्मीर से आ रही है, जहां उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने का आधिकारिक रास्ता एक तरीके से अब सामने है। आज उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता निर्विरोध चुन लिया गया। उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। 4 निर्दलीय विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को अपना समर्थन देने का साथ ही ऐलान कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़ा था, दोनों सीटों से वो जीते और उसके बाद उनके पिता फारूक अब्दुल्ला की तरफ से यह कह दिया गया कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन आज विधायक दल की बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निर्विरोध उमर अब्दुल्ला को नेता चुन लिया गया। अब शपथ ग्रहण के लिए कौन सी तारीख चुनी जाएगी ये आगे बताया जाएगा। लेकिन 10 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए, अगली बार जब बारी आई उससे पहले धारा 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया और फिर 2024 में जाकर अभी विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के हुए हैं। उमर अब्दुल्ला हालांकि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन तब पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर, जिसका हिस्सा लद्दाख भी हुआ करता था, आज राज्य का दर्जा वापस दिलाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों में सबसे ऊपर था।